बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश जी की सरकार है, फिर भला क्या है ऐसे जो अभी तक जंगल राज है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आए दिन बिहार में अपराध के कई मामले सामने आ रहे हैं। आपने अक्सर देखा और सुना होगा कि किसी ने लूटपाट कर चेन छीन लिया तो किसी ने अपहरण जैसे वारदात को अंजाम दिया। खैर ये तो आम बात हो गई है बिहार में, लेकिन अब साइबर क्राइम के भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला सामने आया है साइबर क्राइम से जुड़ी। बिहार के सुपौल जिला से जरा ये तस्वीर देखिए। फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से वायरल हो रही ये वीडियो और तस्वीरें सुपौल जिला मुख्यालय से स्टे पिपरा खुद के वार्ड संख्या 6 का बताया जा रहा है, जिसमें खुलेआम अवैध हथियारों का प्रदर्शन और अंधाधुंध गोलीबारी के साथ साथ प्रतिबंधित शराब के भी बारे में शान से नुमाइश की जा रही है। स्थानीय सूत्रों की माने तो इस गैंग में पिपरा खुर्रद के युवकों के साथ बाहरी असामाजिक तत्व के भी युवक शामिल है। आपको बता दें कि सभी विवादित वीडियो खुद गोलू साफी, पिता अशोक साफी, पिपारा खुर्रद ने बड़ी निर्भीकता से अपने फेसबुक आईडी गोलू भाई किंग से अपलोड कर वायरल किया है। इस प्रकार के विषयों पर सोचने और समझने मात्र से सब ठीक नहीं होने वाला। आज की युवा पीढ़ी का एक बड़ा तबका नशे और अपराध को फैशन की तरह अपना कर खुद को सेलिब्रिटी साबित करने में, खुद तो अपने भविष्य को अंधकार में कर रहे हैं, साथ साथ अपने परिवार को भी नरक में धकेल रहे हैं। अपनी नाजायज और शो ऑफ जरूरतों को पूरा करने के लिए जाहिर है कि सबसे आसान और सस्ता रास्ता उन्हें अपराध का समझ आता है, और पहले तो अपने शौक के लिए उस रास्ते पर चलते हैं, बाद में अपराध उनका मुख्य पेशा में जरूरत में तब्दील हो जाता है। ऐसे में एक बेहतर समाज और अपराध मुक्त गांव की तमन्ना करने से पहले ऐसे युवकों के अभिभावकों के अलावे समाज की भी जिम्मेवारी बनती है। इस प्रकार के दुस्साहस करने वाले के विरोधी में न्याय संगत कदम उठाए और स्थानीय प्रशासन को इस प्रकार की घटनाओं की सूचना देकर इस प्रकार के लोगों पर कार्यवाही की मांग करें। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी मेट 24।